उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता वस्तुनिष्ठ सीरीज। ये सीरीज उन कैंडिडेट्स के लिए है जो उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना यूपीटेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समतुल्य 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। यूपीटेट से संबंधित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों में दिया गया है। ये पुस्तक NCERT, SCERT एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर आधारित हैं, जिसे आप Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तम शिक्षा की शैली ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए, बी मंद छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए, सी प्रतिभाशाली छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी मंच पर आकर आपसे भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप ऑप्शन ए इसे कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे, बी सहर्ष भाषण देना स्वीकार कर लेंगे, सी सबसे बाद में बोलने को कहेंगे, डी मंच से उठकर चले जाएंगे। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि ऑप्शन ए शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, बी शिक्षा में मात्र सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, सी व्यावसायिक प्रशिक्षण का अंग नहीं है, डी विद्यालयों में निरंतर छात्र संख्या बढ़ती जा रही है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति ऑप्शन ए तन और मन से स्वस्थ हो, बी धनवान और साधन संपन्न हो, सी दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो, डी चतुर और शिक्षित हो। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, विपरीत परिस्थिति आने पर आप ऑप्शन ए दूसरों से सहायता मांगेंगे, बी चुपचाप बैठकर जो होता है होने देंगे, सी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देंगे, डी अपनी बुद्धि और विवेक से परिस्थिति के साथ समायोजित होने का प्रयास करेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, सभी छात्रों की सीखने की क्षमता क्या होती है, ए भिन्न भिन्न, बी समान, सी ए एवं बी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभिक कक्षा में भाषा को आसान बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे, ऑप्शन ए पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे, बी छात्रों में योग्यताओं का विकास करेंगे, सी उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा के माध्यम से छात्रों का किस प्रकार का विकास होता है, ऑप्शन ए मानसिक विकास, बी बौद्धिक विकास, सी शारीरिक विकास, डी केवल ए एवं बी। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हैं, ए सहचर्य सिद्धांत, बी आवृत्ति का सिद्धांत, सी बोलचाल का सिद्धांत, डी लिखने का सिद्धांत। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा को सीखने का माध्यम क्या है, ए सुनकर, बी बोलकर, सी पढ़कर, डी अनुकरण। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11,
A teacher cannot avoid which of the following strategies at any cost? A. Questioning. B. Narration. C. Lecture. D. None of these. सही जवाब है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 12. एक्टिविटी ऑफ राइटिंग इज ए मेंटल, बी मस्कुलर, सी ओरल, डी मैकेनिकल. सही जवाब होगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 13. विच इज नॉट अ डिमेरिट ऑफ लैंग्वेज. ऑप्शन ए द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इन वॉइस, बी वेरी हाई वॉइस, सी नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ वॉइस, सी रिपीटेशन ऑफ वॉइस. सही जवाब होगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 14. लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंस सो अ टीचर्स शुड. ऑप्शन ए प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बी इनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सी इंक्रीज नंबर्स ऑफ टेस्ट, डी इंसिस्ट ऑन यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग. और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 15. रीडिंग लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल इज. ऑप्शन ए लाउड रीडिंग, बी फास्ट रीडिंग, सी साइलेंट रीडिंग, डी नन ऑफ दीज. सही जवाब है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 16. किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है? ऑप्शन ए 42वां, बी 44वां, सी 43वां, डी 45वां. सही जवाब होगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 17. किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? ए 72वां, बी 73वां, सी 74वां, डी 75वां. सही जवाब होगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 18. प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? ए शासक वर्ग, बी प्रशासक वर्ग, सी सैन्य वर्ग, डी उत्पादक वर्ग. सही जवाब होगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 19. भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है. ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, सी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, डी लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा. सही जवाब होगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 20, जो इस सेट का आखिरी क्वेश्चन भी है. जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं ए जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार, बी समानता एवं सुरक्षा का अधिकार, सी रोजगार स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अधिकार, डी उपयुक्त सभी. सही जवाब होगा ऑप्शन सी. और इसी के साथ ये सेट यहीं समाप्त होता है. अगले सवालों के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे. तब तक के लिए अनुमति दीजिए. नमस्कार.